चुनाव आते ही बीजेपी को राम मंदिर याद आने लगता है, इसीलिए आस्था की नगरी प्रयाग में सियासी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है। बीजेपी महाकुंभ से अपनी सियासत की नई राह तलाश रही है और संघ ने कुंभ से ही बीजेपी की सियासत को नया रास्ता दिखा भी दिया है। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने महाकुंभ की धर्म संसद में कहा कि राम मंदिर निर्माण का मसला देश की अस्मिता से जुड़ा है और मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनाया जाएगा। आज महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद का दूसरा दिन है। बुधवार के दिन जहां बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने हिंदुत्व के एजेंडे पर लौटने का साफ साफ संकेत दिया, तो आज बारी थी संघ प्रमुख मोहन भागवत की। आज सुबह संघ प्रमुख मोहन भागवत महाकुंभ पहुंचे और राम मंदिर का संकल्प दोहराया। राम मंदिर स्थापन करना अपने देश के स्वत्व को स्थापन करने का अभियान है, ऐसा मैंने कहा, तो हमारे देश की जो पहचान है उसके प्रतीक एक है, वो प्रतीक को स्थापन करना है। लबोलुआव ये कि अब बीजेपी का एजेंडा आईने की तरह साफ है। वैसे भी वीएचपी ने राम मंदिर के ठंडे पड़े मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया है। सीधा इशारा है, चुनाव सिर पर है। संघ से पहले ही राजनाथ मिल चुके हैं और अब वीएचपी के झंडे तले कुंभ में संतों का आशीर्वाद लेना बीजेपी के राम मार्ग पर आने के पुख्ता संकेत हैं। लेकिन बीजेपी की सहयोगी पार्टियों को उसका राम नाम जपना रास नहीं आ रहा। ये क्या तमाशा है, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज गांव गांव में मंदिर है, घर घर में मंदिर है, लेकिन देश की समस्याएं जो है बढ़ती जा रही हैं। तो ये जो मूल समस्या है देश का, उससे ध्यान बटाने की कोशिश है। आज आवाज इलाहाबाद की धर्म संसद से निकली, लेकिन गूंज सुनाई दी दिल्ली के सियासी गलियारे में। कांग्रेस ने हमेशा की तरह बीजेपी पर मजहब की सियासत करने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद, संघ और भाजपा भगवान राम के नाम से राजनीति कर रही है, धर्म का आडंबर ओढ़कर अधार्मिक काम कर रही है, इसलिए हम उसकी निंदा करते हैं। वैसे सत्ता की सियासत में धर्म और राजनीति का कॉकटेल बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। दो सांसदों वाली पार्टी राम मंदिर आंदोलन के जरिए 180 सांसदों तक पहुंच गई। बीजेपी को केंद्र में पहुंचाने में राम मंदिर मुद्दा अहम रहा है, लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई है कि काठ की हांडी बार बार नहीं जड़ती।